कृषि विभाग केंद्र झालावाड़ द्वारा सोमवार को वैज्ञानिक सलाहकार समिति और 32वीं बैठक डॉक्टर अभय कुमार व्यास माननीय कुलपति महोदय कृषि विश्वविद्यालय कोटा की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। समिति के सचिव एवं केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर टीसी वर्मा ने सभी सदस्यगणों का स्वागत कर केंद्र का माह जुलाई 2023 में जुलाई 2024 का प्रगति प्रतिवेदन एवं वर्ष 2024 और 2025 की कार्य योजना प्रस्तुत की है। केंद्र द्वारा आयोजित बैठक में अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में डॉक्टर अभय कुमार व्यास ने केंद्र द्वारा किए जा रहे कार्य एवं उन्हें और अधिक सुदृढ़ करने हेतु किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। झालावाड़ जिला कृषि एवं औद्योगिकी के परिपेक्ष में काफी संपन्न क्षेत्र है। संतरा में अफलन व काली मिर्ची की समस्या पर एक ब्रेन स्ट्रॉमैन कार्यशाला का आयोजन कर प्राप्त सुझावों के आधार पर कार्य योजना को धरातल पर उतारी और सफल उद्यमियों की कहानियों को प्रचार प्रसारित करें। इस हेतु समाचार पत्रों, सोशल मीडिया, केंद्र एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अद्यतन करें ताकि अन्य युवा प्रेरित हो सके। बीज जो डालते थे वो सर लगभग 75-80 किलो आ गया है और लगभग 26% 27% लोगों ने इसको अडॉप्ट किया है। तो ये सर हमने तकनीक प्रदर्शित किया था, इस नई जो किस्म है रेत बीज खाना, उसका बीज हमने यूज किया। बीज उपचार के अंदर हमने कार्बन और डाइटोरेडिएशन बीज उपचार करवाया, बीज टीकाकरण डाइटू कैसे से करवाया, बीज प्रबंधन के लिए डाइटल पिट की ये सर हमने इमामी बैंगल और व्हाइट फ्लाई के लिए हमने यूनिटा कॉर्पेट का स्प्रे करवाया। व्याधि प्रबंधन से जो येलो प्रोजेक्ट लगता है सबसे ज़्यादा, उसके लिए हमने डायनोकोइड और मेटासिस्टोस का स्प्रे करवाया था। और हेल्थ में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या रहती है चाय की, हम वीट कहते हैं, तो वीट के लिए प्री मर्टेंस और पोस्ट मर्टेंस दोनों ही हमने स्प्रे करवाए हैं। कुछ हमने उनको प्रोवाइड कराया है और किसानों ने अपनी भागीदारी से किया है और उन्होंने प्रबंधन से हमने एनजीपी का ये प्रबंधन करवाया है। सर आपको मैं